everyone. Welcome to Mr. and Mrs. Gigi. Yes, and in case you're wondering what are we doing in the kitchen, जो बिल्कुल भी हमारा फोर्ट है तो दूर की बात है, जगह ही नहीं है, कुछ भी नहीं है जो हमारा वो इसलिए कि we are planning to start this kitchen. Yes. We are planning to start actually using this kitchen. मतलब ये किचन को सरदार लग रहा है. Sardar. The look today is the OOTT. तो ये है कि we are planning to start this kitchen. Basically इसमें 10% काम भी नहीं होता और जो लोग हमेशा हमारी किचन देख के वंडर करते थे इतनी साफ कैसे, क्योंकि कुछ होता नहीं है इसमें. कॉफी बनती है, जूस बनती है, फ्रिज यहाँ पे यूज होता है थोड़ा, हाँ जूसर वूसर यूज होता है, कॉफी मशीन यूज होती है, थोड़े से बर्तन धुलते हैं, नॉट मच वी हैव नॉट बीन यूजिंग, बट और बहुत सारे एक्स्ट्रा चीजों को स्टॉक किया जाता है. ग्लासेस तो फिर भी ठीक है, बहुत सारी नॉन किचन चीजें पता लगेगा क्या है. Oh my God. ऐसा है कि फैमिली हो गई है बहुत ज्यादा बड़ी और हम बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे ये सिचुएशन, क्योंकि थर्ड फ्लोर पे एक और किचन है जहाँ पे सबका खाना बनता है. बट नाउ वी आर ऑलमोस्ट लाइक 3 फैमिली स्टेइंग टुगेदर एंड इट्स बिकमिंग अ लिटिल टफ विद वन कुक एंड वन किचन. एवरीवन्स टाइमिंग इज डिफरेंट, किड है एक, एक और आने वाला है ऊपर किड, सो दैट्स लॉट्स हैपनिंग विद लॉट्स ऑफ मेंबर्स. सो दैट्स व्हाई गौतम, मी, अनायका एंड लूकस are going to be cooking out of this kitchen. मैंने देख लिया है already एक peep मार के कि बहुत कुछ करना पड़ेगा. Correct. अब हम आपको सारी चीजें दिखा देते हैं. ये हाल है कि मतलब कहाँ से शुरू करूँ? Candle नहीं आ रहा है. Candle वाले तो छोड़ी सब क्या है, छोड़ी. बस वही ना बात है, storage kind of place थी, अब हमें सिर्फ किचन बनाना है और इस तरफ इस किचन में होता है कपड़े धुलते हैं जो आपको दिख रहा होगा, यहाँ मशीन है ये वो, हम जिस जगह यूटिलाइज करते हैं क्योंकि बहुत बड़ी किचन है, एक्चुअली बड़ी ड्रीम टाइप की किचन है. दिखा देती हूँ, यहाँ से एंटर करते हैं, ये पार्ट पे हम कपड़े सुखा देते हैं, यहाँ पे कोई मैनेजर बैठ जाता है, फालतू चीजें हो रही है बेसिकली. ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये मशीन और ड्रायर रखे हुए हैं, इधर जूते धुल रहे हैं, सब कुछ यही हो रहा है क्योंकि ये मत सोचिए किचन में हम धो रहे हैं, बस जगह यूज कर रहे हैं. किचन इस साइड है मोस्टली, ये पार्ट थोड़ा यूज हो जाता है, ये चलो गर्म करने के कभी कोई गेस्ट आते हैं तो यूज हो जाता है, ये थोड़ा सामान मैंने न्यू ऑर्डर कर दिया है. यहाँ पे भी कुछ स्टोरेज हो जाती है, फ्रूट रख लेते हैं कभी कुछ. ये है सारी कॉफी चाय की चीजें, हाँ कॉफी वॉफी यहाँ बनती है. या करेक्ट, ये भी कॉफी है. Yes, ये हमारी कॉफीज हैं. और ये टी बैग, टी है ये. ये भी कुछ ऐसे दिख रहा है कॉफी टाइप. ये टी है, टी है उसमें. ओह इधर कप्स हैं थोड़े, इधर इस तरफ थोड़े तो नहीं है. हाँ तो बेसिकली दिस इज द मेन किचन, दिस इज द सिंक, ये थोड़ा यूज होता है, काफी सारे शेल्व्स हैं अगर हम स्टोरेज करने पे आए. फ्रिज में मोस्टली हमारे कोले पड़े हुए हैं, ऑल दैट कोले कोके कोले कोले फ्रूट्स है थोड़े, कुछ और ज्यादा रखा नहीं हुआ. सो क्या कहाँ से शुरू करें, कुछ समझ नहीं आ रहा. काफी कुछ करना है, किचन सेट करना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता है और उसको रन करना उससे भी बड़ा, और मेरे को आई एम ऑलरेडी ड्रेडिंग द सिचुएशन, बट इट कैन बी फन. फन आई डाउट इट. एक और बड़ा एक्साइटिंग प्लान है, नायका को जाने बर्थडे पार्टी पे और मेरे हस्बैंड मुझे आज कॉफी डेट पे लेके जा रहे हैं. जा रहे हैं ना, I'm so excited. ये शायद भूल गया था, मुझे लग रहा है इसके रिएक्शन से. क्या भूल गया था, मैंने खुद बोला आके मैं ही भूल जाऊंगा, वो भी अभी थोड़ी देर पहले ही. बिल्कुल शॉक नहीं होंगी मैं, क्योंकि मैं एक्साइटेड बैठी हुई हूँ इस बात के लिए. एक्चुअली मेरा ना पूरा ठप हो गया ये देख के, मैं बड़ा एक्साइटेड था ये ब्लॉग के लिए. अब मुझे लग रहा है कि हमें पता ही नहीं हम कहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि अगर सब खाली नहीं करेंगे और लगाएंगे नहीं नीचे तो कोई चांस ही नहीं है. तो ठीक है, ऊपर जाके डिस्कशन करते हैं ना, एक लिस्ट बनाते हैं हम. नहीं, जो सामान नहीं चाहिए उसको साइड में पहले करके रखिए. मैं भी सफाई करने नहीं आई हूँ, अभी मैं ये चेक करने आई हूँ कि हमें ऑर्डर क्या क्या करना है. फर्स्ट विल ऑर्डर, उसके बाद जब वो सामान आने में 2-3 दिन लगते हैं एटलीस्ट, तो वी विल डू द सफाई अभी जैसे विद अदर स्टाफ. आई कांट सिट एंड डू सफाई राइट नाउ. क्या रखा हुआ है, प्रोटीन शेक. चलो डिस्कवर करो क्या. Grinders and juice makers are here. The one we were talking about. So basically, we are also kind of preparing a list of the things that we will need. So first, let's just find what all we have so that we can write it down. और फिर बाकी का order करेंगे. हमें लगेगी हमारी वक्त. हाँ, अब ये फिगर करना है यार कि मिक्सर ग्राइंडर हमें ऑर्डर करना पड़ेगा या ये बहुत ही इंटरनेशनल, ये तो जूसर है ठीक है, ये कोकम का है ना तेरा जो तू बोल रहा था,
और इसी में यू कैन यूज अनदर कंटेनर, जस्ट नीड टू चेंज द कंटेनर. छोटा चाहिए, छोटा कंटेनर ले लो. इसका ब्रांड का नाम क्या है? वीटा मिक्स. इसके ऊपर फिट होना चाहिए ना कोई. इसके ऊपर का है, सब मिलता है इंडिया महारानी. हमारे पास मिर्ची ऑलरेडी है पर ये मिर्ची नहीं है, बीटरूट पाउडर. कोई कोई चीजें ऐसी प्लास्टिक की यूज होती है. आप बताइए यार कॉमेंट सेक्शन में, आप लोग प्लास्टिक यूज करते हो, ग्लास यूज करते हो या स्टील? स्टील भी अच्छा होता है आई थिंक, स्टेनलेस स्टील. पर सस्ता महंगा भी देखना पड़ेगा, अब हमारे बजट हैं. ऐसी बात नहीं है कि हम कितना भी स्पेंड कर देंगे. ये बोलो जो जो हमारे पास है वो चीजें हम पहले यहाँ पे अलग कर देते हैं. यहाँ पे कुछ कुछ बर्तन हैं एक्स्ट्रा, ऊपर से हम नहीं ला रहे कुछ क्योंकि ऑब्वियसली फंक्शनल है वो किचन. अभी तक कंटेनर्स निकालते हैं पहले और बर्तन निकालते हैं कि क्या क्या है. चल लेट्स स्टार्ट ओपनिंग वन ड्रॉर ईच. ये प्लेटर है, कुछ कुछ अच्छी फैंसी चीजें यहाँ पे काफी मिलेंगी क्योंकि ये हम जब हम गेस्ट आते हैं तो नीचे से ही सारी सर्विंग होती है. बेसिकली फैंसी चीजें ही मिलेंगी और कुछ नहीं है. बर्तन ही बर्तन है पर यूजफुल वाले नहीं है ऐसी चीजें. क्या करूं मैं इसमें, पौधे उगाऊं? चॉपिंग बोर्ड मिल गया है सक्सेसफुली. ओह बाय द वे इट आर नेम रिटन ऑन द फूड, आई मीन ऑन द कटलरी. व्हाट ऑन द करी? हु गेव दिस? अच्छा ये हमें किसी पैकेज में आया होगा. देयर इज मोर हियर. Cutting boards. ये भी कटोरियों में मेरे नाम लिखे हुए हैं. ये सब पे नाम है. अच्छा ये किसी ने ना बहुत पहले पैकिंग की. This is interesting actually. हम इसमें सर्व कर सकते हैं क्या सब्जियाँ? ये मैं सोच रही हूँ. नहीं हाँ, वुडन चीजों में. ये सैलेड्स के लिए होते हैं. इसमें ठंडी चीज होती है, गर्म ठंडी चीज. पर क्यों नहीं होती गर्म? पता नहीं, बिकॉज मेरे को नहीं लग रहा. गूगल करना पड़ेगा या आप लोग बताना. बर्थडे पार्टी. I should drop you. You can't go on your own. Lucas can drop you. Lucas? Huh? Kuch bhi. Drop me. I can't. Acha, at least I can drop you. At least I'll come and drop you. It's a drop off birthday party. I'm not invited, Babu. Lucas bahut sad hai. Ek bar usko kissiya de do. Kissi de do. Acha, lahagi de do. Wo dekho. He can also drop me. You want me? Haan. Lucas will drop you. You? तो हगी दो उसको फिर ही वो आएगा. उसको देखो. Just not interested. Drop me and Lucas. All right, चलो जाओ. Ready हो बर्थडे पार्टी के लिए? I'm ready. No, no, you can't wear these clothes. What time is the birthday party? It's a dress. It's a dress. You can't wear this dress. वहाँ पे dress code है. तो ऐसा है जो मुझे समझ में आ रहा है ना कि सिर्फ कचरे भरे पड़े हैं. इफ यू डोंट थ्रो ऑलवेज यू वांट अ स्पेस टू कीप एनीथिंग. यार थ्रो ना ये यहां क्यों स्टोर कर रही है? कीप ऑल दीस प्लास्टिक्स लाइक दैट. प्लास्टिक नहीं चाहिए. ये यूज हो सकते हैं गौतम कंटेनर. ये तो फेंके नहीं चाहिए प्लास्टिक की क्यों नहीं सही पर नहीं वो बराबर है जो भी है वो बराबर है.
मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम इस किचन में यही है क्या कि क्या कहाँ रखा है वो ठीक से रखा नहीं है यार देखो इतने सारे जग्स हैं इतनी सारी ऐसी चीजें तो ज्यादातर बंद पड़े हुए हैं ये डब्बों में क्योंकि जब टूट जाते हैं तब निकाल क्योंकि सांस भी कभी भाऊ वही हो गया ये जितने कप्स है ना ये मेरा है गेम ऑफ थ्रोन्स वो सारे वहाँ कप्स में रख दो ये मैं क्रोएशिया से लाई थी जिन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है किंग्स लैंडिंग देखा है वहाँ से लाई थी मैं जहाँ किंग्स लैंडिंग की शूटिंग होती है एक्चुअली आई वाज सच अ बिग फैन दैट आई वेंट देयर हाँ ये कर लो पहले हक्के भक्के रह गए ठीक है कुकिंग का थोड़ा चलो काम आ जाएगी करछियाँ नहीं सिर्फ यही है काम का बाकी सब वेस्ट है ये सर्विंग स्पून से नेक्स्ट ये काम की चीज़ है जो हमें नहीं खरीदनी पड़ेगी सब कंटेनर्स लगे हुए हैं ऑलरेडी इसमें वेरी गुड और फॉइल भी लगी हुई है इनमें तो ये काम हो गया ऐसे फेंक की चीज़ें पड़ी हैं इसलिए शायद कुछ पता नहीं लगा वेरी गुड मिले ना बर्तन अब हमें ये रे गौतम बर्तन निकाल मेन वी गॉट चाय ओके मैगी आल्सो वी कैन मेक ये इसमें हाँ बच गए हमारे पैसे बच गए ये देख तवा मिल गया आई गॉट तवा दैट टू कास्ट आयरन इसी को कहते हैं ना कास्ट आयरन जो हमें चाहिए था हाँ तवा है ना या दिस वी वोंट बाय तभी तो कर रहे हैं हम ये सब चीजें टू सी व्हाट इज देयर व्हाट ऑल बट कढ़ाई नहीं है शायद कढ़ाई खरीदनी है और कुकर कुकर दो चाहिए होगे दाल राइस सब चीज के लिए हैप्पी बर्थडे टू यू ये सब वेले से सामान पड़े दूसरा कुछ खोल इसमें नहीं कुछ काम का जो काम की चीजें वो पहले निकाल लेते हैं स्पेस क्लियरिंग वाली चीजें बाद में हो जाएंगी क्या प्लेटें हैं तो लिड के नीचे का क्या करें सर्विंग वाली चीज है ये क्या है ये गोल्डन क्या है ये क्या पड़ा हुआ है सब सर्विंग की चीजें हैं इतना तो कोई हमारे घर गेस्ट आते भी नहीं है गैस गैस तो चलती है मोर गैस का है अच्छा मेनी ऑफ दीस आइस बॉक्सेस पिकनिक पे जाएंगे किसी दिन तो लेके जाएंगे क्या है ये मोर सर्विंग थिंग्स ओके मोर सर्विंग थिंग्स ये क्या है ये नहीं किसी के पार्ट्स हैं कंटेनर मिल गया एक और बड़ा हाँ ये कंटेनर्स निकाले इनमें हम राइस और वो दालें स्टोर करने के लिए यहाँ पे रखो अपने काम की चीजें एटलीस्ट वी डोंट हैव टू बाय इन फॉर द स्टाफ आल्सो सेवरल बैड पन्स लेटर ये क्या पहना है मेरे बच्चे ने एप्रिन मे बी Cooking! What do you want to chop for today? आज जा जाने की बैठ के जाने। I know. Baby cook. I'm a cooker. Carry. I'm a cook. No, you are a cook. I'm a cooker. You're a cooker. Cooker. Chef. You are a chef.
Yeah. I can make nice cookies if you want. I want. Go make. I'll get it from the party. Sure. I'll wait for them. You can drop me. Sure. Me and come back home. No, we'll go out. ये already cooking के लिए तैयार हो गई है और हमारा तो kitchen ही नहीं बना अभी तक. Later that same evening. तो गाइज मजे की बात यह है कि खन्ना जी ऑलरेडी थक गई हैं। हमने रूम देखना स्टार्ट नहीं किया है और ये देखो यहाँ आके इनका हो गया है टाइम कर लेते हैं बाकी सब। अनंत अंबानी की वेडिंग देख देख के मेरा दिमाग खराब हो गया यार। मतलब बहुत अच्छी इतना खुशी से दिमाग खराब गलत नहीं। वाओ यार मजे आ गए। और कई लोगों ने मुझे मैसेज भेजा आर यू नॉट इनवाइटेड। नहीं भाई ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं चल रहा। इनवाइट तू बहुत साइड पे जरा। नहीं हूँ मैं साइड पे। नहीं है इसको बस मुझसे दूरी बनाए रखनी है लाइफ में। इसका मेन मकसद ये है। एनीवे लेट्स गो ऑन अमेज़न। ऑर्डर करना है अब हमें। फर्स्ट जो मेरे को दिमाग में वो ऑर्डर कर लेते कढ़ाइयाँ और कुकर ऑर्डर हो जाएंगे सबसे पहले। कढ़ाई कुकर और एक वो चीज चाहिए होती है ग्रेटर। ठीक है समझ गया मैं सब। और वो बनाने की करछी। करछी करछी को क्या बोलते हैं? करछी कुकिंग स्पून। करछी लिख लेते हैं करछी फॉर कुकिंग। हर चीज आ जाती है अमेज़न पे। बहुत सारी ले ले बहुत सारी इसकी ये इनपुट्स हैं। ले ले बहुत सारी कौन सी कच्ची में भी क्या होगा। आई मीन व्हाट कैन यू से अबाउट कच्ची। यू कैन ना ये देखिए रबर की है कहीं। रबर रबर क्या नॉर्मल स्टेनलेस स्टील वर्किंग ना। तो देयर इज अ होल सेट आई थिंक वी शुड डू दैट और लाइक सोलो। ये ओ 20 कच्चियों का सेट है पूरा। ओनली फॉर 739 या आर यू श्योर इट्स लाइक फाइन। ऐसे ही आता है कि को बहुत चीप लग रहा है। Regardless. I still think that you don't even need 10 things. No, we don't. Just buy 3-4 things which are fine to start with. मेरे को लग रही है। But I'm not sure these handles are fine to hold. If they get too hot, then there's something like that, na? ऐसे ही कुछ होता है। Handle rubber क्यों होनी चाहिए? Can't be non-stick. ये उसके लिए दाल या कढ़ी के लिए होती है। ये pan पे के लिए होती है। ये भी कोई राजमा वाजमा type. मैं बहुत interested हूँ। अरे झूठ बोल रहा है! ये झूठ बोल रहा है! Now kadai, what kind of kadai? You were saying cast iron. I'm just saying that you should just take something which is simply healthy. I believe the non-stick jo cheez hai wo achhi nahi hai. Zor se bol. Anayika ki zyada awaaz aa rahi hai tujhse. To teri se mila na awaaz. Yes. मेरी आवाज को दबा दिया गया है हर मर्द की तरह। निकलती ही नहीं है बल्कि बोल बोल के थक गई हूँ कि बोलो कुछ। कुछ बोलो। नहीं ये भी है और एक ये भी है पैन भी है वहाँ पास। नेक्स्ट। So they want all cast iron or they want steel also? कि जो आएगा कुकिंग के लिए क्योंकि cast iron में वक्त लगता है। हाँ तो प्रेशर कुकर। कुकर। कुकर में सब्जियां नहीं बनती सूखी सब्जियां सब कढ़ाई में बनती। कुकर इज फॉर दाल और समथिंग और राइस। कुकर कितने लीटर चाहिए ये भी है बहुत। अब ये बनाया तो है। वी नीड वन कुकर और टू कुकर्स। टू टू यही आ जाने। दिस लॉग इज डेडिकेटेड ओनली टू वुमेन बाय द वे बिकॉज़ मेरा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। कई कई आदमी भी करते हैं ये काम। ये मैं हमारे क्यों है हम भी तो कर रहे हैं ऑफिस में आके काम तुम्हारे साथ तो कोई और है। जस्ट टेक हॉकिंस एंड प्रेस्टीज ना नॉर्मल जो लोग हैं जिन प्रेस्टीज तो बहुत सालों से करता है कुकर उनका कितना ही खराब। मसाले पता कितने होते हैं बताइए मुझे गिनवाइए। मसाले मतलब गरम मसाला छोले का मसाला पाव भाजी मसाला यही नहीं डिश के नाम बताई जा रहे। मसाला बोल रहा हूँ मैं डिश नहीं बोला है। जीरा अजवाइन। जीरा अजवाइन मसाला नहीं होता है ना
इन्हीं को बोलते हैं नमक, मिर्च, काली मिर्च, हल्दी, फिर जीरा, अजवाइन, सूखी धनिया और कौन सा होता है गाइस, ये सारे मसाले हैं, डिश पाव भाजी मसाला, राजमा मसाला, ये मसाले जो डालने होते हैं वो वाले, ये सब नहीं यूज करने चाहिए, मसाले खुद बनाने चाहिए। गरम मसाला अपने कुक ढूंढना है गाइस, मसाला आ रहा है कुक का पता नहीं जी नहीं, एक ट्रायल हमने लिया है कुक का, पर ऊपर की किचन में उसने बनाया पर हमें खाना नहीं पसंद आया था, और बुलाने है ना कुक्स को, कहाँ से लाए पता नहीं, तो किसी की रेफरेंस से आ गया था। अगर आप लोग किसी अच्छे कुक को जानते हो जो आके हमारा खाना बना के चले जाए, हाँ, वी डोंट वांट फुल टाइम, कम लोग हैं हम लोग अब इस किचन के लिए, तो हम लोग आइदर मॉर्निंग टू इवनिंग सोच रहे हैं, या हम कोई लंच बनाए फिर जाए, फिर डिनर बनाए फिर जाए, क्योंकि फिर वरना रहने के भी अरेंजमेंट एक और बंदे स्टाफ बढ़ जाएगा। करो मसाले ऑर्डर करती हूँ सारे, अब ये ऑर्गेनिक करने होते क्या करने हो, क्यूमिन, अब हिंदी में लिखना है कि लिख लें सब चीजें हम, राइट ना, क्या है हल्दी, क्या क्या, तो बोली थी जीरा हल्दी, अमेज़न्स चॉइस तो मैं नहीं मानूंगी, ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक में फर्क ही कितना है, 90 रुपए का जीरा कितना ही ऑर्गेनिक, नहीं पर उसमें फर्क इसलिए क्योंकि कोई 100 ग्राम है, कोई 50 है, कोई 500 है, वो भी 100 ही है। जले हैं यार, संगीन हो गया मामला, नमक भी सोच के खाया जा रहा है, मंगवाया जा रहा है, सोचो